हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। हारिस, शाहिन और नसीम की आंधी आई, टीम इंडिया ने नाक कटाई थी। इन तीन गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करी इस महामुकाबले में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का ये पहला मुकाबला था। सभी की उम्मीदें थी रोहित विराट आएंगे छाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी गेंदबाज आए और जिस तरह से टीम इंडिया के खिलाफ छाए, तो इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो शुरुआती चार विकेट थे वो टीम इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 66 रन पर गिर गए थे। और अगर हम पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात करें, किस तरह से टीम इंडिया को इन्होंने परेशान किया, किस तरह से विकेट चटकाए, तो इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि साफ तौर पर आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं कि किसने कितने विकेट लिए, किसने क्या कुछ किया। तो उससे पहले भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अब बात करते हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने किस तरह से भारत पर कहर बरपाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शाहीन अफरीदी की, जिन्होंने 10 ओवर अपने पूरे कोटे के डाले, सिर्फ और सिर्फ 35 रन दिए, 4 विकेट चटकाए और 2 मैडन ओवर भी वहां पर उनके शामिल थे। इसके बाद नसीम शाह ने 8.5 ओवर गेंदबाजी की, 36 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। और इसके बाद फिर हारिस रॉफ, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए। हालांकि इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो शाहीन से और नसीम से थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 55-54 रन दिए तब जाकर 3 विकेट लिए, लेकिन इन तीनों गेंदबाजों ने ही मिलकर 10 विकेट टीम इंडिया के चटका दिए, टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने कहर बरपाया है टीम इंडिया के अगेंस्ट और किस तरह से गेंदबाजी की है। उसके बाद अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित सिर्फ 11 रन, शुभमन गिल 10 रन, विराट कोहली 4 रन, श्रेयस अय्यर 14 रन। हालांकि बाद में जिस तरह से बल्लेबाजी की ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने थोड़ी बहुत लाज बचा ली टीम इंडिया की, दोनों ने 80-80 रन बनाए। ईशान ने 81, हार्दिक ने 87, टीम इंडिया को ले गए भैया 250 के पार, नहीं तो टीम इंडिया एक समय 150 पे सिमटने वाली थी कि अगर वहां से ईशान और हार्दिक आउट हो जाते तो बहुत मुश्किल था कि टीम इंडिया एक अच्छा स्कोर बना पाती, क्योंकि इन दोनों के हम देखेंगे जब ये दोनों आउट हुए 204 पर ईशान किशन और 239 पर हार्दिक पांड्या। इसके बाद फिर टीम इंडिया एकदम से ढह गई, जो पहले लग रहा था कि 300 बनेंगे जब हार्दिक और ईशान खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद टीम इंडिया 260 तक ही पहुंच पाई और 300 का जो आंकड़ा था वो बहुत दूर नजर आने लगा टीम इंडिया से।